अस्सलाम वालेकुम टीवी 99 के साथ मैं हूं सरफ और मैं हूं जुलेखा चौधरी। सबसे पहले हेडलाइन बात करते हैं हज़्ब इख़्तिलाफ़ की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के साथ किए गए सवाल की। मरियम नवाज ने आने वाले दिनों की प्लानिंग के हवाले से तफसीली बात की। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे विकास चौधरी से। जी विकास, क्या तफसीलात है इसके बारे में? क्योंकि यार लोगों को सता रही है, तीसरी मरतबा 2 माह में कीमतें पेट्रोल की बढ़ा दी गई हैं और महंगाई का जो ग्राफ है वो मजीद बढ़ चुका है, इस पे क्या कहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब आप एक नालायक और नाअहल शख्स को सिलेक्ट करके लेके आते हैं तो फिर आपको यही तवक्को उससे करनी चाहिए जिसने पूरी ज़िंदगी कोई काम ना किया हो। आप उसके सर पे 22 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी डाल दें तो फिर तो ऐसा ही होगा। लेकिन आने के बाद भी कुछ नहीं सीखा। उनकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करना है, उनकी प्रायोरिटी सिर्फ अपने लिए रास्ते बनाना है। अवाम की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, अवाम की जिम्मेदारी उस हुकूमत की होती है जिसने अवाम को जवाब देना होता है, जिसको मुंतखब करके अवाम लेके आते हैं। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि हर रोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है और लोग बिलबिला उठे हैं सड़कों के ऊपर और गलियों में बातें हो रही हैं, लोग बददुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को, लेकिन इनको सवाए अपोजिशन के कुछ याद नहीं है। बस इसका हिसाब भी देना मैडम, वो नहीं रहे और ना ही उनका तनकीद का निशाना वही थे। अब आप भी उस तनकीद के निशाने से पीछे हट रही हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को आप लोग तनकीद करते थे, आप भी हुकूमत को आप तनकीद का निशाना बनाएंगे या आप लोग स्टैंड कर रहे हैं अपनी तनकीद के ऊपर जो आप लोगों ने बयानिया लिया था? देखें, बात यह है कि तनकीद बराए तनकीद नहीं, अगर कोई काम गलत होगा, आइन के दायरा कार से बाहर होगा, अगर कोई अपने डोमेन से बाहर जाके गलत काम करेगा, एक्सेसेस कमिट करेगा, तो हमारा फ़र्ज़ है बोलना, वो हम बोलेंगे और मैं बोल रही हूँ। और ये कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं है, ये मुल्क की बेहतरी के लिए हमारा आइन भी ये कहता है, हमारा कानून भी ये कहता है, और अगर इसकी कोई ख़िलाफ़ वर्जी करेगा तो उसको बात तो सुननी पड़ेगी। अच्छा मैडम, तहरीकी अदम एतबार के हवाले से हुकूमत ने कहा है कि अगर अपोजिशन में हिम्मत है तो वो तहरीकी अदम एतमाद ले आए, क्या कहेंगे आप उस पर? मैं पहले भी इस बात का जवाब दे चुकी हूँ कि अभी 4th को सरबराही इजलास है PDM का, तो उसमें जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी ये तजवीज़ रखेंगे तो इस पर गौर होगा, इस पर बात होगी, उनसे बातचीत होगी कि वो किस बिना पे ये बात कर रहे हैं, उनका क्या इसके ऊपर वर्किंग है और क्या इसके प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उस पर बात होगी उनसे। आप लोगों ने इस्तीफे देने थे, एक क्यों हो गया? आप लोगों ने ऐलान करना था लॉन्ग मार्च का भी, 1 फरवरी को ऐलान करना था, वजह क्या बन गई है आप लोग डिले? 1 फरवरी नहीं, 4th को इजलास है और 4th को इजलास में ये फैसला। हाँ हाँ, तो 1st की बजाय अब 4th को इजलास है इंशाल्लाह ताला, और 4th के इजलास में ये सब बातें डिस्कस होंगी। अभी तक ऑप्शन है मौजूद, बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन, और मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफे देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। अब उसकी क्या मैकेनिज्म होगा, क्या टाइमिंग होगी, वो 4th को इंशाल्लाह डिस्कस होगा। लॉन्ग मार्च पे भी आप लोग? लॉन्ग मार्च पे भी ऑलमोस्ट सबका कंसेंसस है मैडम। अब लॉन्ग मार्च और धरना कितना होता है, किस तरह होता है, ये तो अब मोडालिटीज़ है, ये बैठ के तय करेंगे। मैडम ये बताएं कि क्या हुकूमत अपने जो 5 साल है वो मुकम्मल करेगी? कैसा लाइव टेलीथॉन भी हुई है जी। अल्लाह ना करे कि अवाम के ऊपर इस हुकूमत का जो अजाब है वो रहे, हमारा इसमें कोई नहीं, अवाम के ऊपर जो अजाब आया हुआ है ये मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत इस तरह चल भी सकती, क्योंकि जो मुश्किल वक्त इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से और बेहिसी की वजह से आवाम पे आया है, वो ज़्यादा देर आवाम बर्दाश्त कर नहीं सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी वकास, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। अफसोसनाक खबर साहिवाल की तहसील चीचावतनी से। चीचावतनी थाना गाजियाबाद की हदूद में डकैती की वारदात, मोटरसाइकिल पर सवार 3 डाकुओं ने कार पर फायरिंग कर दी। गाड़ी में सवार दो अफराद जख्मी, वाकई की इत्तला मिलते ही थाना गाजियाबाद की पुलिस मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को DSPU अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान में सोने की कीमत में मंदी का रुझान रहा, सोने की कीमत 400 रुपए की कमी के बाद 1,13,000 रुपए फी तोला रही। 10 ग्राम सोने की कीमत 300 रुपए की कमी के बाद 96,900 रुपए पर रही। आलमी मार्केट में सोना $1,848 फी ऑन्स ट्रेडिंग हुआ और चांदी की कीमत में तेजी का रुझान रहा, फी तोला 1420 रुपए। कामरान अकबानी, TV99 न्यूज, कराची। सिंधपुर में 4 फरवरी को वैक्सीनेशन का आगाज होगा,
80,000 हेल्थ वर्कर्स को डोज दिए जाए। 60 साल से ज्यादा अफराद को वैक्सीनेशन करने का आगाज 4 फरवरी को सिंहभर में होगा। 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। शहनाज परवीन, TV99 न्यूज, कराची।